जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम एडिट करने वाले हैं कैसो सिटी एक्स 9000 इन के अंदर हमारा आज का न्यूटोन। पिछले वीडियो में हमने दो प्रकार की न्यूटोन का रिव्यू दिया था, जिसमें एक हमारा सैक्सोफोन था और एक लेगेटो वाली लीड थी। तो हमने कहा था कि जिस भी टोन को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, हम उसी टोन का एडिटिंग वीडियो सबसे पहले लेके आएंगे। तो सबसे ज़्यादा जिस टोन के लिए कमेंट आए हुए हैं, वो है हमारा सैक्सोफोन। तो आज की इस वीडियो हम इसी टोन को एडिट करने वाले हैं। तो जिन लोगों के पास भी कैसियो 8000 इन है, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि उनका और सिटी एक्स 9000 इन का जो टोन है सेम तरीके से एडिट होगा। तो काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि हमारा पैरामीटर सेम होने के बावजूद भी उनका जो टोन है हमारी तरह नहीं बन पाता। इस वजह से आज मैं आपके सामने, भले मेरा टोन यहाँ पर फर्स्ट बैंक के 8 नंबर में बना हुआ है, लेकिन आपके सामने मैं इसके सारे जितने भी पैरामीटर लिख के लेके आया हूँ, ताकि आप लोगों के सामने अलग बैंक में मैं इसको एक नई टोन तैयार करके बना सकूँ। तो आपके सामने कीबोर्ड ऑफ कर रहा हूँ, आपने भी सेम तरीके से इसको एडिट करना है। तो आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले कीबोर्ड को ऑन करेंगे। अभी आप सेम वैसे करते जाना जैसे जैसे मैं करूँगा। तो सबसे पहले हमारा टोन 307 ये आ जाता है। जैसे आप इतना डायल करोगे यहाँ पर आपको टोन दिख जाएगा। उसके बाद आपने क्या कहना है, यहाँ पर जो फंक्शन का बटन दिया गया है इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो स्क्रीन में आएगा अटैक टाइम। मैं यहाँ से अपना पैरामीटर देख रहा हूँ, तो हमने अटैक टाइम को रखना है 80 नंबर पे, यानी 80 नंबर पे। उसके बाद 3 और प्रेस करेंगे, यहाँ पर आता है रिलीज टाइम, इसको हम करेंगे यहाँ से कम 49 नंबर पे। फिर कट ऑफ, इसका हम रखेंगे 85। उसके बाद फिर हम यहाँ पर रेजोनेंस, इसको हम करेंगे 85 सेम तरीके से। रेजोनेंस और कट ऑफ हमने सेम रखा। उसके बाद आता है वाइब्रेटो। वाइब्रेटो में यहाँ से 6 नंबर से एंटर करेंगे, यहाँ पर वाइब टाइप 2 नंबर पर रखनी है। उसके बाद यहाँ पर डेप्थ आता है, इसको हम 81। 3 नंबर से वाइब्रेट में जाएंगे, ये हमारा 64 ही रहेगा। फिर डीले, डीले हमने यहाँ से 95 नंबर पे करना है। इतना होने के बाद अब हम एग्जिट करेंगे, फिर 3 नंबर प्रेस करेंगे, ऑक्टेव शिफ्ट 0। उसके बाद आगे आएंगे, यहाँ पर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हम यहाँ पर रखेंगे 113 नंबर पे। उसके बाद बैलेंस शीट सेंस 63 नंबर पे रहेगा। उसके बाद आता है रिवर्ब सैंड। रिवर्ब सैंड हम यहाँ से बढ़ा के 62 नंबर पे कर देंगे। उसके बाद आता है कोरस सैंड, इसको हम करेंगे यहाँ से 46 नंबर पे। उसके बाद आता है हमारा डीले सैंड, तो डीले सैंड को हम करेंगे यहाँ से 104 नंबर पे। 104, इतना होने के बाद हमारा एक टोन तैयार हो जाता है। एग्जिट करेंगे, फिर से यस, फिर से यस। तो अभी हमारा जो टोन है 896 नंबर पे एडिट हो चुका है। तो यहाँ से हम इसको अलग से लिख लेंगे 896। तो यहाँ पर हमने 896 नंबर लिख लिया। अब इसके बाद हमारा सेकंड टोन कैसे लेयर होगा, तो यहाँ पर जो लेयर का बटन दिया गया है इसको प्रेस करेंगे। यहाँ पर 223 नंबर वाला टोन आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 400 नंबर को डायल करेंगे, तो यहाँ पर XSYN लीड 4 के नाम से टोन आ जाता है। अब आपने क्या करना है, जैसा आपका इतना हो जाता है, अब आप यहाँ पर जो मिक्सर का बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। अभी मिक्सर का काम मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। अभी मिक्सर में ध्यान देना कि जब भी आप मिक्सर को एडिट करते हो, यहाँ पर मिक्सर और कीबोर्ड लिखाता है। अगर आपका मिक्सर और कीबोर्ड नहीं आ रहा है तो आप इसको 1 या 3 नंबर से आगे पीछे कर सकते हैं। तो मिक्सर और कीबोर्ड आ रहा है, अभी यहाँ पर ब्लिंक करता है, जैसे 1 नंबर ब्लिंक कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो पार्ट ऑन है ये 1 नंबर में ब्लिंक कर रहा है, हमने यहाँ से डायरेक्टली 2 प्रेस करना है। तो यहाँ पर आता है वॉल्यूम, सबसे मेन हमारा यही है। तो वॉल्यूम हमने इसको यहाँ से कम करना है 115 नंबर पर। और अब हम 3 नंबर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर सेकेंड चैनल ब्लिंक करता है, जिसका वॉल्यूम हमने यहाँ से 64 नंबर पर रखना है। 64 नंबर पे कर दिया। उसके बाद हम, अगर आप इसमें कोड एडिट करते हो तो कोड का वॉल्यूम यहाँ पर 3rd और 4th में दिया गया है, तो इसको हम वैसे ही कम रखते हैं कोड को हमेशा ही, ताकि साउंड ज़्यादा ना आए। तो हम यहाँ से 2 नंबर प्रेस करेंगे, पैन हमारा 0-0 रहेगा। अब हम करेंगे रिवर्ब सेंड को प्रेस, तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर ब्लिंक कर रहा है, रिवर्ब सेंड यहाँ पर 32 शो कर रहा है। अब आप 1 नंबर, अगर आपका 32 नहीं रहा तो आप यहाँ से मिला लीजिए 32। उसके बाद 1 नंबर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर रिवर्ब सेंड 62 नंबर पे आ जाता है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से प्रेस करेंगे कोरस एंड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ब्लिंक कर रहा है इसका कोरस एंड 46 नंबर पे है, सेकंड नंबर का 00 है इसको आपने 40 नंबर पे करना है 40। उसके बाद हम फिर से दोनों प्रेस करेंगे, यहाँ पर डिले सेंड, तो डिले सेंड हमारा मायने ज़्यादा रखता है। तो यहाँ से जो सेकंड का डिले सेंड है वो हमने, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, हमने यहाँ पर 68 नंबर पे रखा हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 77 कर लीजिए जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट आता है। उसके बाद हमने एक नंबर प्रेस किया, यहाँ पर 104 आता है। तो अभी हमारा जो टोन है बन चुका है, इसके बाद आप एग्जिट करें और कोई भी एक बैंक, जैसे मैं 16 नंबर बैंक ले रहा हूँ, इसको हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया, बैंक स्टोर प्लस 7 नंबर में स्टोर कर दिया। तो अभी हमारा जो टोन है यहाँ पर आ चुका है। अभी भी अपने क्या करना है, यहाँ पर जो फंक्शन है इसको प्रेस करेंगे। अब एक नंबर से बैक आते हैं, तो यहाँ पर जो इक्वलाइजर है वो 11 नंबर पर रहेगा। डीले हमारा यहाँ पर मायने रखता है, तो डीले हम यहाँ से यूज़ करने वाले हैं 40 नंबर का। उसका रहता है कोरस, कोरस आपने यहाँ पर यूज़ करना है 11 नंबर का, फ्लैंगर 2, उसका रहता है रिवर्ब। तो अब यहाँ से आप हाल 2 का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो टोन है प्रॉपर बन जाएगा। फिर से आपने एक बार स्टोर करना है, ऑक्टेव में जाएंगे, यूट्यूब आपका अगर एक या दो आ रहा है तो आप इसको 00 कर लीजिए। अब एग्जिट, तो हमारे टोन का जो साउंड है कुछ इस प्रकार से आ रहा है। और जो हमारी मेन टोन थी जिसको हमने पहले एडिट किया था रिव्यू के लिए, वो हमारी ये थी। दोनों का जो साउंड है बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। काफ़ी लोग ये कहते रहते हैं कि उनका जो टोन है एडिट करने के बाद भी सेम तरीके से एडिट नहीं होता, उनका जो साउंड है काफ़ी अलग आता है। तो उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही कि जब आप टोन को एडिट करते हो तो हमेशा बैंक के ऊपर करते हो। बैंक में कैसे, जैसे मैंने यहाँ से कोई बैंक ले रखा है कि मुझे पता है कि मेरा 7वां बैंक में मुझे न्यू टोन बनी है। अब यहाँ पर पहले से कोई टोन बनी होगी, अब मैं इसके ऊपर अगर यहाँ से सारी लेयर हटा के टोन एडिट करता हूँ तो इसके ऊपर जो भी इफेक्ट लगा है वो उस टोन के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि जब आप हमारी वीडियो देख के टोन एडिट करते हो तो कीबोर्ड को ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद आपने कभी भी बैंक को सिलेक्ट नहीं करना है, आपने डायरेक्ट ही टोन को एडिट करना है। जो भी लेयर लगेगा, जो भी इफेक्ट लगेगा, जो भी फंक्शन से इफेक्ट लगेगा, या फिर जो आपका ऑक्टेव का इफेक्ट लगेगा, आपने विदाउट बैंक में ही उसको एडिट करना है। विदाउट बैंक यानी बाहर से जो भी हम आपको बताते जाएंगे बस आपने वैसे एडिट कर देना है। लास्ट में आपने उसको खाली बैंक में सेव करना है, बस इतना सा काम रहेगा। पहले कभी बैंक को सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप बैंक को सिलेक्ट करें तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो बैंक में इफेक्ट लगा है वो उस टोन के ऊपर चला जाता है, जिस वजह से वही इफेक्ट उस टोन में लग के हमारी तरह जो आपका टोन है नहीं बन पाता। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। इसलिए आज मैंने आपके सामने बिल्कुल टोन न्यू तरीके से एडिट किया, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि हम आपको अलग टोन एडिट करना सिखाते हैं या फिर हमारे पैरामीटर अलग होते हैं और एडिटिंग में दिखाए गए पैरामीटर अलग होते हैं। तो कॉपी में मैंने अलग से पैरामीटर लिखे, उसके बाद जो जो पैरामीटर जिस हिसाब से लगने थे आपके सामने बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड में लगाए, सेव किया। हमारा टोन जो है, चाहे आप 16 बैंक वाला सुन लो चाहे फर्स्ट बैंक वाला, दोनों का दोनों साउंड सेम है। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेगेटो वाला जो लीड है वो भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी प्यारा बना हुआ था। तो इसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए, बाय बाय।